सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको टमाटर, जो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से मैंने यहाँ पे सुतली थ्रेड्स बांधा है यहाँ पर, और इसको जो है फिर यहाँ पाइप में सेटअप किया। एंड देन उसके बाद में जब ये थोड़ा सा पेड़ बड़े हो रहे हैं तो लैगी होते हैं, यानी कि इधर इधर गिर रहे होते हैं, तो उनको स्ट्रेट ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उनको किसी चीज़ से बांधना होता है। तो पहले मैंने क्या किया था कि तार, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे तार है, इसका यूज़ किया था, लेकिन इससे प्लांट जो है ना वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अमेजोन से ये क्लिप ऑर्डर की, ठीक है, प्लांट को क्लिप करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी है, एक सेकेंड। हालांकि मैंने उसको लगा भी दी है वहाँ पे, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। एंड ये है वो क्लिप, ठीक है, यहाँ पर थ्रेड फंस जाता है और ये फिर ऐसे बंद हो जाता है, इसके अंदर में आ जाती है रिंग की तरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्रेड आपका बन जाएगा। तो मैंने कैसे किया है ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने सब में किया है, यहाँ पे भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा इसमें, इस तरह से। तो इस तरह से आपको माउंट करना होगा, इसको फंसाना होगा और इसको लगाना होगा। हालांकि ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, amazon.com से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपडेट है ये, 5 अक्टूबर को मैंने इसकी सीडलिंग किया और उसके बाद में इसकी जो है पूरी प्लांटेशन अब तक यहाँ पहुँची हुई है, और अमूमन देखिए कि जल्द से जल्द इसमें फ्लावर भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फ्लावर के बाद में आपको अपडेट दूंगा फ्रूटिंग के लिए। तो सेकेंड आपकी जो अपडेट आएगा वो फ्लावर की अपडेट आएगी। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है हाइड्रोपोनिक का NFT चैनल है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कैसे आपको सेटअप किया एक बार आपको वन बाय वन टाइम दिखा भी देता हूँ कि आपको परेशानी भी ना हो। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजर्वायर है, ठीक है, यहाँ से वाटर जाता है वहाँ, ठीक है, स्प्लिट होता है दोनों पाइप्स के अंदर, ठीक है, और दोनों पाइप से स्प्लिट होने के बाद में फिर वो यहाँ से चलते हुए आता है और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं एग्जिट होता है, एंड देन ये यही प्रोसेस है यहाँ पे। हालांकि इसमें जो मैं NPK यूज़ कर रहा हूँ वो देखिए, मैं ट्रेनिंग वगैरह वाला सीन नहीं है मेरे साथ में, मैं एग्जैक्ट और एक्यूरेट बताता हूँ, ठीक है। NPK जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वो 1200 की 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो के करीब है। मास्टर ब्रांड का है 4-18-38, ठीक है, 4-18-38 का जो वो है वो इसमें डाल रहा हूँ, और उसके साथ में स्फीयर कैल्शियम नाइट्रेट और इप्सन सॉल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या रेशियो है वगैरह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यही था आज के लिए अपडेट, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी अलविदा लेने का टाइम है। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर वो इस तरह की कोई चीज़ जानना और सीखना चाहते हैं। तो ये मैं क्या है टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सेटअप बना रखा है, इस तरह से ग्रीन सेटअप है पूरा, ठीक है गाइज, इस तरह से करके। अभी यहाँ पे मेरा एक और चैनल सेटअप होगा, यहाँ पे लगाऊंगा, जिसमें मैं यहाँ पे पत्ता गोभी, ठीक है, उसको भी लगा करके दिखाऊंगा। हालांकि ये मैंने डच बकेट भी किया था, लेकिन ये डच बकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें ऑर्डनरी मतलब हाइब्रिड नहीं है, इसलिए इसकी ग्रोथ वगैरह अभी मुझे भी कन्फर्म नहीं है। अब जब जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए बिल्कुल इजाज़त, धन्यवाद, बाय बाय।